दया पवार जी की आत्मकथा अछूत के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि बोर्डिंग में दया पवार जी के अलावा एक और महार लड़का रहने के लिए आता है जिसका नाम होता है तुकाराम शिरकांडे। बॉडी लैंग्वेज से ही वह सबको चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। पहले ही दिन से वह मछुआरों के लड़कों के साथ मेस में एक ही पंगत में खाना खाता है, जिसे देखकर दया पवार जी को बड़ा मलाल होता है कि उन्होंने इस तरह की कोशिश क्यों नहीं करी। उसके बाद वे जिक्र करते हैं अपने नाना की स्मृतियों का, जिसको जिक्र करते वक्त बेहद दुखी हो जाते हैं कि किस तरीके से नाना ने एक एक पाई जोड़कर पूरे कुनबे की देखभाल करी, लेकिन उनके मामा ने नाना के मरते ही सारी जमा पूंजी जो है वो चौपट कर डाली। तो यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ लिया था। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और आज के एपिसोड में जानेंगे कि किस तरीके से अशिक्षा के प्रभाव के कारण अछूतों में अंधविश्वास पनपता है और साथ ही थोड़ा ही सही लेकिन बाबा साहब के विचारों का किस तरीके से अछूत समाज के ऊपर प्रभाव पड़ रहा था। इन सब चीजों के ऊपर आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ, जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। हाँ, तो मैं औरंगपुर की बात बता रहा था। मामा के घर के सामने राणू जी का घर था। इसी घर में मेरी दादी अर्थात पिताजी की माँ, इसी घर में दादी जन्मी थी। माँ और दादी एक ही गांव की, उनके ननिहाल का उपनाम भी एक ही कस्बे। तो इन सब चीजों के ऊपर दया पवार जी पहले भी जिक्र कर चुके हैं आत्मकथा में। इस बात का मुझे आश्चर्य होता, राणू जी बड़ा करारा बुढ़ा था, गठिया की पीड़ा से बेजार, परंतु जुबान उस तकलीफ में भी बड़ी तेज। हम पर उसका बड़ा स्नेह था, उस घर जाने की बड़ी तीव्र इच्छा होती थी। वैसे राणू बहुत गरीब था, मकान बनाने का काम करता और बाल बच्चों का पोषण करता, परंतु मामा और राणू दादा का आपस में बड़ा बैर था। वैसे तो भाईचारे की बात थी, एक ही वंश बेल से बड़े, परंतु अब शाखाएं अलग अलग थी, उनकी दुश्मनी चरम सीमा पर पहुंच रही थी। राणू दादा का एक रिश्तेदार विढ़ा में रहता, वह जागती जोत का भगत है, टूना कर आदमी मारता। वह हमारे घर पर टूना करता है, इस डर से मामा के घर के सभी लोग सहमे हुए थे। मामा की सास वाशेरे गांव की थी, उसके कोई बाल बच्चा ना था। बाद में मामी को काफी लड़के हुए, परंतु उसका गर्भ गिर जाता था, इसके कारण विढ़ा का भगत ही कारणीभूत है। यह गलतफहमी मामा की सास ने चारों तरफ फैला दी थी। मामा की सास में देवी प्रवेश करती, रात हुई, भोजन पानी हुआ कि मामा की सास में देवी का संचार होता। माथे पर चांदी के रुपए के बराबर लाल बड़ा सिंदूर, खुले बाल वाली ये औरत जब रात में घूमती तब मेरे भी प्राण थर्राने लगते। उसके सामने रिंगण भरना, मुर्गी का उतारा तीन मार्गों में जाकर डालना पड़ता, यह कार्यक्रम सतत चलता रहता। ऐसी ही एक बरसाती रात याद है, बाहर धुआंधार बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट, आंखों में उंगली ठूंसने पर भी बाहर का कुछ ना सूझता। उस रात विड़ा के भगत के ओर से मूठ आने वाली है, ऐसा देवी जाहिर कर देती है। सारे घर में चिंता, मूठ कैसी होती है। इस उत्सुकता में मैं भी जाग रहा था, अपने प्राण मुट्ठियों में कसकर। अब मूठ आएगी और घर के किसी भी व्यक्ति को खून की उल्टी होगी, इस डर के मारे सब ठंडे पड़ गए। कब नींद लगी पता नहीं, सुबह उठकर देखता हूं तो सामने की दीवार ढह चुकी थी। देवी के कारण ही मूठ किसी व्यक्ति को कुछ नहीं कर सकी, सारी बला दीवार से टकरा कर निकल गई। ये समझकर सब चैन की सांस लेने लगे, परंतु मेरे बाल मन में एक सवाल उठ रहा था कि दीवार मूठ के कारण ढही या धुआंधार बारिश के कारण। नींबूओं में पिन चुभोई गई, ऐसे पिन चुभोई नींबू हवा में भर्राते हुए आते हैं और आदमी के प्राण उड़ाकर ले जाते हैं। ये बात धीरे धीरे मुझे हास्यास्पद लगने लगी। तो देखा आपने, पढ़ाई लिखाई क्यों इसलिए इतनी जरूरी है। एक तो उससे मानसिक विकास होता है, सोचने समझने की ताकत बढ़ती है। इस तरह के सवालों को जब आप इनका हल ढूंढने निकलते हैं तो फिर आपके सामने हास्यास्पद ही लगते हैं इस तरह के सवाल। इसलिए शायद हमारे लोगों को अछूत बना के रखा गया और उन्हें पढ़ाई लिखाई से हमेशा दूर रखा गया, और अब एक बार फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वही चीजें दोहराई जाने की कोशिश की जा रही है। मामा के घर की मानसिकता से एकदम विपरीत मानसिकता राणू दादा के घर की। राणू तालुके में आवाज उठाने वाला आदमी, आम सभाओं में उठते और अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देते, अंबेडकर आंदोलन में खुलकर भाग लेता, परंतु अपने बच्चों को वह पढ़ाना चाहता था। उसने अपने बेटे का नाम
राव साहब रखा। यही राव साहब कस्बे के नाम से जाना जाता चिंतक, अनजाने ही उसने अपने बाप का ये गुण धारण कर लिया। फिलहाल वह संगमनेर कॉलेज में प्राध्यापक है। राणू जी के घर में खानदानी देवी का एक स्थान है। घर में देवी की पूजा कोई ना करता, पर तीज त्योहारों में मराठा स्त्रियां देवी की पूजा के लिए आती। देवी के सामने परात भर नैवेद्य जमा होता। राव साहब के बचपन का एक मजेदार किस्सा याद आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज नोट डाउन करने वाली बात है कि मराठा जो महारों को अछूत समझकर छुआछात बरतते थे, वे भी उनके घर में देवी की पूजा के लिए जाते थे। तो ये सारे विरोधाभास जो है वो गांव देहात के अंदर हमें देखने सुनने को मिलते हैं। जितनी भी आत्मकथाएं पढ़ी हैं, इस तरह का वातावरण हमने जाना है इन कथाओं के जरिए। राव साहब के बचपन का एक मजेदार किस्सा याद आता है। वह उस समय तालुके में पढ़ने जाता। इस समय उसके सारे शरीर में खुजली थी। घर की देवी का कोप है, इसलिए तुम्हें खुजली हुई है, गांव वाले उसे चिढ़ाते। बित्ते भर का लड़का मन में क्या आया, पता नहीं गंडासा लिया और देवी खोद डाली। सिंदूर लगा पत्थर जमीन में गहरा गड़ा था। आक्रोश में उसे खोद कर कचरे के ढेर में फेंक आया। सारा गांव मुंह में उंगली दबाई ये सब देख रहा था। अलबत्ता राणू जी भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहा था। अब देवी इनके घर के बाहर बजाएगी, इस तरह की फुसफुसाहट गांव वाले करते। परंतु इतने सालों से मैं देख रहा हूं कि उस घर की समृद्धि बढ़ रही है, भौतिक तो नहीं पर ज्ञान वृद्धि की शाखाएं खूब फैल रही हैं। तो पढ़ाई लिखाई का ये फर्क पड़ता है कि आप अंधविश्वास जो है वो धीरे धीरे करके आप उससे ओवरकम होने लगते हैं। इस बारे में मैं खुद अपना एग्जाम्पल प्रस्तुत करती हूं। मैं भी जब शादी करके आई थी तो मैं ये सब चीजें नहीं जानती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, अपने आप परंपराएं टूटती चली गईं और मैं भी बंधन मुक्त होती चली गई। औरंगपुर में मुझ पर बहुत बुरा समय आया। छठी का दूध याद आ गया था। बात ऐसी हुई कि मैं छुट्टियों में मामा के घर आया। मारुति के मंदिर में बहुत भीड़ थी, इसलिए मंदिर की ओर गया। वहां देखता हूं एक आदमी जूता लेकर मारुति की ओर दौड़ रहा है। उसे मां बहन की गालियां बकता है। मारुति मतलब हनुमान। तू क्या जागृत देवता होगा तो अपना अस्तित्व बताएगा, इस तरह भगवान से ऊंची आवाज में लड़ रहा है। सारे लोग उसे पागल करार देते हैं। उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया था, परंतु वह जो कुछ भी कह रहा था मुझे सही लग रहा था। क्षण भर में सोचता हूं, गांव वाले जब इतना सहले रहते हैं तो मेरे मंदिर प्रवेश से कौन सा आकाश टूट पड़ेगा। तो वाकई सोचने वाली बात है, जब इतना सह लेते हैं, जब महार के घर में मराठा स्त्रियां देवी पूजन के लिए जा सकती हैं, तो फिर महार क्यों नहीं मारुति के मंदिर में जा सकता। मैं मंदिर की भीड़ में घुस जाता हूं। वैसे अब तक मैं वहां गया नहीं था। कुछ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा बैठता हूं। एक व्यक्ति को मुझ पर शक होता है, पूछता है, तू किसका है? मैं जवाब देता हूं, कस्बे के यहां आया हूं, वे मेरे मामा लगते हैं। मराठा सीधे गाली पर उतर आता है, तेरी मां की भगवान अपवित्र कर डाला ना। मेरी और सबका ध्यान आकर्षित हो जाता है। भगवान को जूते मारने वाले आदमी को छोड़कर सब मुझे चारों ओर से पीटने लगते हैं। मेरी अक्ल ठिकाने लग जाती है। मैं उस आदमी को खोजने लगता हूं जो थोड़ी देर पहले भगवान को गाली दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि कम से कम वह इस संकट से मुझे बचा लेगा। पर नानी आती है और तब कहीं मेरी मुक्ति होती है। कई दिनों बाद मालूम हुआ कि भगवान को गाली देने वाला सत्य शोधक समाज का कार्यकर्ता था। वैसे मारुति के मंदिर के लिए जमीन महारवाड़ा के ही खंडू मुकादम ने दी थी। ये बात जो है आप लोग खासा ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं है कि यह आज होता है, उस समय भी होता था। महारवाड़ा के लोगों ने भी मेहनत की थी, पर जिस दिन मूर्ति की स्थापना हुई उसी दिन से महार मांगों को भगवान से वंचित कर दिया जाता है। तो कितने दुख की बात है, हम लोग जो है अपना सब कुछ जो है भगवान के नाम पर, मंदिरों के नाम पर दान कर देते हैं, लुटा देते हैं और अंत में हमारा ही वहां पर जाना जो है वो मना हो जाता है। तो उससे तो बेहतर है कि वहां पर लाइब्रेरी बनवा दी जाए, कोई छोटा सा स्कूल ही खोल दिया जाए या किसी भी तरह का प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया जाए। चलिए स्कूल नहीं खोल सकते, सिलाई का ही किसी को काम सिखा दिया जाए, लेकिन हम इस तरह की सोच नहीं रखते। मंदिर को दान देना हम बड़ा
पुण्य का काम, बड़ा प्रेस्टीजियस काम मानते हैं, लेकिन वही मंदिर जो है हमें एकदम अछूत मान के हमारी ही एंट्री बैन कर देता है हमारी अपनी जमीन पे। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं। औरंगपुर की महार मंडली द्वारा पानी के लिए किया गया संघर्ष बहुत ही लोमहर्षक है। इस इंसिडेंस को भी ध्यान से सुनिए। उन दिनों एक गांव एक पनघट जैसी कोई बात नहीं थी, परंतु महार के पानी का संघर्ष कान पर आया होगा, साथ ही उनकी आवश्यकता के लिए यह विवाद छेड़ा गया। मतलब बाबा साहब ने जब चकवादर तालाब में जाकर पानी पीने की मुहिम जो चलाई थी, वैसी खबरें जो है, उस समय सोशल मीडिया तो होता नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह खबर जाने में थोड़ा वक्त लग जाता था, और जब गांव के लोगों तक पहुंचा होगा तो इन्होंने भी सोचा होगा कि पानी के लिए अब हम भी संघर्ष करें। महार लोग बरसात में नाले का ही पानी पीते, नाला भी आधे मील पर था, गर्मी में नाला सूख जाता, उस समय उनकी बड़ी दुर्दशा होती। मारुति के मंदिर के पास गांव का ठंडे पानी का कुआं था, उस पर निरंतर घिर्री घूमती रहती। महार मांग स्त्रियां घंटों तक बाल्टी भर पानी के लिए राह देखती। तो कितना इनह्यूमन होता था कि एक बूंद पानी के लिए लोग तरस के बैठे रहते थे। किसी को दया आती तो एक आध बाल्टी डाल देता। वैसे कानून महारों के पक्ष में था। उन्होंने कोर्ट में आवेदन निवेदन करके देखा, पर सरकार नहीं पिघली। अंत में सब संगठित हुए और अपनी बाल्टी कुएं में डाल दी। स्त्रियां कमर कसकर सबसे आगे, गांव में खलबली मची। संपूर्ण गांव के लिए एक अलग हौद की कल्पना सामने आई, परंतु हमें अलग नल नहीं चाहिए, हम गांव के ही कुएं से पानी भरेंगे, यह जिद महार मंडली ने छेड़ दी थी। अंत में पंचायत बैठी, महार मंडली को उसी कुएं में अलग घिर्रे लगाने की अनुमति दी गई। है ना अजीब बात। अब इसके आगे का इंसिडेंट सुनिए, वो और भी अजीब है। कुएं नीचे कुएं में मराठों और महारों के बाल्टियां आपस में मिल जाती, परंतु एक ही घिर्रे में रहने से उनकी जाति के अहंकार को ठेस लगती। आज भी आपको वहां अलग अलग घिर्रे मिलेंगी। तो वाकई कितनी हास्यास्पद बात है कि एक ही कुएं से पानी निकालना है, लेकिन एक घिर्री से आप नहीं निकाल सकते, अलग अलग रस्सी लगनी चाहिए। कमाल है। जिंदगी में पहली बार मैंने बोहड़ा वहीं देखा। अगेन कहूंगी कि इस इंसिडेंस को भी जरा ध्यान से सुनिए, और किस तरह संस्कृतियों का घालमेल किया गया है ब्राह्मणों द्वारा, इस बात को समझने की कोशिश करिए। जिंदगी में पहली बार मैंने बोहड़ा वहीं देखा। होली प्रज्वलित होने के बाद यह खेल खेला जाता। यह नाचने का एक प्रकार है। रामायण महाभारत के पात्र सज कर आते। रामायण और महाभारत दो अलग अलग काव्य ग्रंथ हैं। उसके पात्र जो है वो होली पर सज कर आते, जबकि रामायण का जो जिक्र है वो दशहरे के साथ आता है। लेकिन यहाँ पर होली दहन में भी ये लोग नाचने आते थे, और रामायण और महाभारत दोनों के पात्र एक साथ आते थे। मुंह पर बड़े बड़े मुखौटे और पीठ पर मोर पंखों के समूह। नाचने वालों के हाथ पंखों से बंधे होते और कुछ एक लोगों के हाथों में शस्त्र, नाचने वालों के पैरों में घुंघरू। नाच गणपति सारजा आते हैं, ये गाने का मुखड़ा होता। होली पे ऐसा माना जाता है कि नरसिंह के रूप में विष्णु आए थे, और उसने जो है उन्होंने जो है हिरण्यकश्यप जो राजा था, होलिका का भाई, उसका पेट फाड़ दिया था और भक्त प्रहलाद को बचा लिया था। इस तरह की कहानी जो है वो प्रचलन में आती है। लेकिन यहाँ पर गणपति भी आ रहे हैं, रामायण के पात्र आ रहे हैं, और महाभारत के पात्र भी आ रहे हैं। तो किस तरीके से संस्कृतों का घालमेल किया है, उनको फिल्टर करने में ही बहुत साल लग जाएंगे लोगों को समझने में कि आखिर हुआ क्या। नाच गणपति सारजा आते हैं, ये गाने का मुखड़ा होता। साथ में भजनियों की टीम या मांगों के डफ, शहनाई, गाने की एक तर्ज जो रावण के वेश में गाता, गांव में उसका बड़ा सम्मान। एक और अनोखी और नई बात पता चली है। होली में रावण डांस करता है और वहां उसका बड़ा सम्मान होता है। उसे 10 सिर लगाकर नाचना पड़ता, इसके लिए अच्छा खासा अनुदान देना पड़ता। महार लड़कों का इस खेल में प्रवेश मना था। विचित्र विशाल लाल खूनी रंग की लपलपाती जीव, अस्त्र शस्त्र, मुंह और चमचमाते हथियार, इस तरह के बोहड़ा का मन पर प्रतिबिंब साकार हो गया। पिछले दिनों कालीकट में जब मैं गया तो इसी बोहड़ा का
की संशोधित आवृत्ति देख पाया। ये सब आर्यों का दिग्विजय इतिहास भूमि पता क्रांत करने वाला। 20वीं सदी में भी इसके अवशेष इस तरह बचे रहे हैं। तो किस तरीके से इन्होंने काव्य लिखा, क्योंकि पोएट्री जो है वो जल्दी जुबान पर चढ़ जाती है और याद हो जाती है, और अगर वो राइमिंग हो तो और भी जल्दी याद हो जाती है। आप इस तरीके से सभी आरतियां देख लीजिए, आपको फटाफट याद हो जाती हैं फिल्मी गानों की तरह। जबकि बाबा साहब का लिटरेचर बहुत डिफिकल्ट लिटरेचर है, वो आसानी से ना तो पढ़ाई में आता है, अगर आप पढ़ भी लें तो समझने के लिए उसको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, संदर्भों को ढूंढना पड़ता है, रेफरेंसेस को क्रॉस चेक करना पड़ता है। लेकिन ये सारी बातें जो है ना, किससे कहानियां का पोल, कल्पित कथाएं, झूठी मूठी की जो कथाएं हैं वो फटाफट याद हो जाती हैं। और साथ साथ ये जो नाटक की प्रस्तुति होती है, नृत्य नाटिका, नाच नाच कर आपको पूरा याद करा दिया जाता है, तो ये एक स्ट्रेटजी के तहत किया गया काम है। यही यहां पर जिक्र कर रहे हैं आत्मकथा में अपनी दया पवार जी। एक बात बताना भूल गया, मैं औरंगाबाद का दामाद बनने वाला था, वैसे ही सारा गांव ही मामा का था, इसलिए वहां जाने पर जवाई आया कहकर स्त्रियां चढ़ाती। खंडू मुकादम की एक विवाह योग्य कन्या थी, काली सांवली सुगठित। खंडू मुकादम का घराना वैसे संपन्न था, घर में दूध घी की बहुतायत, अंग्रेजी खपरेलों का अच्छा घर, जमीन जुमला भी अच्छा। ये मुकादम गोदी में माल ढोने के ठेकेदार थे, उस जमाने में उन्होंने इस धंधे में अच्छी खासी माया जोड़ ली थी। उनकी पठान सी पत्नी पारू तो सोने से लदी थी। गांव जाने के बाद मुझे खास तौर पर चाय के लिए बुलाते। बचपन में उनके आंगन में मुझे कुत्ते ने काट लिया था, तब मेरी आवाज बारीक थी, पारू बाई उसकी नकल कर मुझे चिढ़ाती। ऐसे समय ऊंची नौ गजी साड़ी का बोंगा संभालते उनकी लड़की मेरे आसपास होती, वह खिद से हंसती। अपनी हम उम्र लड़कियों को मेरे बारे में कुछ इधर उधर की बातें बताती, पर मैं उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखता। उसके घर में भी सबकी यही इच्छा थी कि मैं यही शादी करूं। मेरे मन में उस उम्र में भी धनवान लोगों के प्रति हद दर्जे की तुच्छता के भाव थे। हमेशा लगता वे होंगे संपन्न पर हम भी न बिकें। तो दरअसल ये तुच्छता के भाव उनके लिए नहीं, अपने आप को ही वो उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे होंगे माहौल में। साथ ही ऐसी काली पत्नी मेरे विचारों के बाहर थी, पढ़कर बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। गोरी लड़कियों के सपने आते, एक ही सपना था कि बच्चे बनिए ब्राह्मणों से हों, परंतु उनके वैभव का प्रभाव अंत तक ना था। लड़की का कोई भाई वैसे करता धरता, वह शिक्षा की खिल्ली उड़ाता, कहता पढ़ा लिखा दामाद हमारे घर अनाज के बोरे गिनेगा क्या। इन सभी बातों के कारण मेरे दिमाग में असंतोष घुल जाता। एक बार पारू की लड़की ने कुत्ते के पिल्ले को लात से उठा लिया, वह कह के करता भाग गया। मैं यूं ही तिलमिला उठा, कल अपनी हालत भी इससे अलग होगी क्या। मेरी दादी कोई रिश्ता पसंद नहीं था, उसका भांजा दूसरों के घर ठहरे ये बात भी उन्हें पसंद ना थी, और मामा की लड़की तो बिल्लस भर की थी। उनकी इस तरह दुर्दशा हुई, ऐसी है जवाई कथा। बंबई भूलना वैसे भी संभव ना था, वह शहर मुझे मुक्ति का शहर लगता। वहां पर बाबा साहब भी रहा करते थे, बाबा साहब के भाषण भी वहां हुआ करते थे। पिताजी चले गए थे, फिर भी कावाखाने में तात्या तो थे ही। कभी कभी छुट्टियों में मैं उनसे मिलने जाता और वे आबो हवा बदलने गांव आते। वे जब भी गांव आते तब उनके साथ चाची दादी भी आती, तात्या की दूसरी शादी। चाची दिखने में बड़ी सुंदर, जब वे गांव आती तब उनके शरीर पर जरी किनारे वाली कीमती साड़ी रहती, बजर टीक नथ इतने सोने के गहने होते, पैरों में चांदी की बिछिया, सारा गांव टकटकी लगाए देखता। उस समय आपने चंद्रभांजी के इंटरव्यू में भी सुना होगा, उस समय औरतें जो है वो गिलेट के जेवर पहना करती थी, और ऐसे में कोई सोने के जेवर पहना हुआ दिख जाए तो सबको हैरानी तो होती ही होगी। गांव आने पर चाची मेहमानों से बैठी रहती, हमारा पक्ष कमजोर था, मां सारी तकलीफें उठाती। तो अपने ही रिश्तेदार जब इतना जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं अमीरी गरीबी के आधार पर, तब फिर कैसे दूसरों से हम जाकर लड़े। सबसे पहली लड़ाई तो अपने घर में ही होनी चाहिए, अगर आपको न्याय देना है तो सबसे पहले अपने घर में आपको न्याय करना चाहिए। माँ फटी पुरानी साड़ी में, चेहरे पर लाचारी, सफेद फीका माथा स्पष्ट दिखाई देता। ना जाने क्यों मेरे मन में उथल पुथल होती। माँ के गले में फोड़े का रोग हुआ था, एक गांठ
फूट कर ठीक ना होती तो दूसरी फूटती, गांठ फोड़े सी ही ठोस। उसके सारे शरीर में त्राही त्राही मची हुई थी, परंतु बंबई वाली चाची को काम करने के लिए कौन कहता। भीतर ही भीतर मेरा आक्रोश घुटता रहा, अपने शरीर का दर्द छिपाकर माँ हमेशा चलती फिरती रहती। तो गरीबी कितनी लाचार आपको बना देती है ये समझिए। यदि आप लोग रुपए पैसे से आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं होंगे तो फिर आपको जगह जगह भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। गुस्सा भी आएगा तो आपको उसे पी जाना पड़ेगा। तात्या भी जब गांव आते तो बड़े रुआब से आते, वुलन का महंगा कोट, चमकदार जूते, सलीके से पीछे मुड़े बाल, तात्या हीरो लगते। उनके संदर्भ में घटना याद है। अगस्ती की यात्रा में हम सब साथ गए थे। महार कुंड के पास हम सब ने डेरा जमाया। इस समय एक काली सांवली महिला जहां हम बैठे थे वहां का लगातार चक्कर लगा रही थी। माँ उस औरत को पहचान लेती है, वह तात्या की पहली पत्नी थी जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। तात्या को क्या महसूस हुआ पता नहीं, वे एक झटके के साथ उठे। सामने गन्ने की गाड़ी थी, उस गाड़ी से एक लंबा गन्ना खींचते हैं और उस महिला को ढोर जानवर सा पीटने लगते हैं। यात्रा में आए लोग उसे बचाते हैं, शायद तात्या के अहंकार पर उसने प्रहार किया हो। एक तो परित्यक्ता और फिर उसके साथ इस तरह पेश आए, शायद उन्हें इस पर क्रोध आया हो। बाई को अच्छा सबक सिखाया, चारों ओर यही राय थी। मैं उस परित्यक्ता चाची के बारे में काफी देर तक सोचता हूँ। चाची ने मेरे दिल का कोना अवश्य जीत लिया था, इतना अपनापन इस चाची के बारे में क्यों नहीं लगता। तो औरतों को लेकर समाज, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो अछूत हो, चाहे कोई भी हो, सबकी सोच एक ही जैसी कि औरत के ऊपर ही सारी गलती मर्द हो। चुपचाप से वो अपना काम कर रही है, पति ने छोड़ दिया है तब भी वो कुछ नहीं कह रही है, उसके बावजूद मतलब सरेआम पीटना, ये कहाँ का इंसाफ है। यदि इस घटना को छोड़ दिया जाए तो चाचा बहुत बड़े दिल के व्यक्ति थे। हम पर उनका विशेष ध्यान, हमारे फटे आकाश को वे काफी कुछ जोड़ देते थे। वे जब भी आते बहन और मेरे लिए नए कपड़े लाते। एक बार तो उन्होंने नई चप्पल खरीदी जो मैंने उसी दिन खो दी। किसी प्रकार का गुस्से किए बिना उन्होंने मुझे दूसरी खरीद दी। बम्बई का खजूर और पाव मिलता ही, चाय के साथ पाव कड़े टोस्ट खाने का अपना आनंद। उसके साथ बंबई का बाजार हाट रहता। उनकी सूखी हुई बोम्बिल मछली विशेष रूप से मिलती। उनके आने पर गोश्त पकता ही था। तालुके से बकरे का मटन लाया जाता या मुर्गे का शोरबा मिलता। हर साल तात्या जब आते यही सोचते हम बंबई की ओर आंख लगाए रहते कि कब ये आए और थोड़ा खाने को अच्छा मिले, पहनने को अच्छा मिले। दिवाली की छुट्टियों में हम बंबई जाते, लेकिन जाते समय मन ज्यों कैंची में फंसा हुआ होता। चाची को हमारा बंबई आना पसंद ना था, ये वे द्वेष करती, पर माँ अक्सर बंबई ढकेल ही देती। एक तो बंबई जाने के बाद वर्ष भर के लिए एक दो जोड़ी कपड़े मिल जाते, साथ में पुस्तकों के लिए पैसे भी। मेरे जाने पर चाची बहुत उल्टा सीधा बोलती, तात्या को कहती ये बड़ा होकर मुंह पर मूतेगा भी नहीं। मैं इस तेज आघात से जख्मी हो जाता, एकांत में जाकर ढोर की तरह रोने की इच्छा होती। आज जब मैं चाची की बातों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता। आज मैं विधवा चाची का और उसके लड़के का कितना ध्यान रखता हूँ, अपना ही संसार संभाले नहीं संभलता, सांस फूल जाती है। पिछली पीढ़ियों से ये कैसे संभव हो पाया। आज रिश्ते के सारे सिलसिले टूट चुके हैं। मेरे पिताजी और तात्या के बीच जो प्रेम भाव अंत तक था, उतना आज मेरे चचेरे भाई और मेरे बीच नहीं है। हमारे बीच में दीवारें किसने खड़ी की हैं। तो आज का ये एपिसोड मैं यहीं विराम देती हूँ। इन सब चीज़ों के ऊपर विचार मंथन किए जाने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जानने समझने के लिए, किस तरीके से संस्कृतियों का घालमेल हुआ है, किस तरीके से देवी पूजन के नाम पे महारों के घर जाकर पूजा की जा सकती है लेकिन महारों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा सकता, उन्हीं की ज़मीन पर मंदिर खड़ा किया जाता है और उन्हीं को फिर बाद में बेदखल कर दिया जाता है। इन सब प्रश्नों के ऊपर आप लोग विचार मंथन जरूर कीजिएगा और आपका जो भी विचार हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन यदि ये एपिसोड्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हो और आपको लगता हो कि ये इंफॉर्मेटिव हैं तो इन्हें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, जय भीम।